मैं हूँ सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। ये महात्मा गांधी सेतु है जो दक्षिण बिहार या राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ता है। ये लाइफ लाइन है, यहाँ से दिन में हजारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन इस पुल को पार करने की आस में न जाने कितने लोगों की सांस टूट जाती है। और उसका कारण ये है कि इसमें बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, आमतौर से जो है ट्रक और बस का की आवाजाही ज़्यादा है, इसलिए जो आम लोग हैं उनको राजधानी पटना से उत्तर बिहार की तरफ जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। और ये परेशानी वो हमेशा से उठाते रहे हैं, कई बार तो एम्बुलेंस फंसा, और कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो राजनीतिक दलों के भी हैं कि इनका काफिला यहीं फंस जाता है और वो गंतव्य स्थल पर नहीं पहुँच पाते। और ये सबसे बड़ी परेशानी है, लोग कई कई घंटे, पिछली बार देखा होगा आपने कि कई दिनों तक इस जाम में लोग फंसे हुए थे। और उसकी वजह ये होती है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं वो नो एंट्री के बाद भी अलाउ कर दी जाती है, जिसकी वजह से जाम काफ़ी ज़्यादा लगता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शायद अब इस तरह की परेशानी से लोगों को जल्द छुटकारा मिलने वाला है, इसलिए कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो गांधी सेतु का नया लेन है वो तो चालू किया जा चुका था। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन गडकरी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था, और ये कोविड के दौरान हुआ था, मतलब कोविड से जब ये देश उभर रहा था उसके बाद ये एक नया जो है ये लेन चालू हुआ था। लेकिन अब हम बात करेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि वो जो दूसरा वाला लेन है नया, वो तकरीबन बन करके तैयार हो गया है, निर्माण का जो काम है वो थोड़ा अधूरा बचा हुआ है और वो भी जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि 7 जून को इसका उद्घाटन होना है। हालांकि पहले ऐसे कहा जा रहा था, जो कंपनी इसमें निर्माण में लगी हुई है उनका ये कहना था कि इसका उद्घाटन जो है वो 30 मई को होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका उद्घाटन अब 7 मई तक टाल दिया गया है और ये 7 मई को दूसरा लेन बन करके तैयार हो जाएगा। शायद उसके बाद जो है लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। और इसमें एक दूसरी खूबी मैं आपको बता दूं कि जो पुराना लेन था उसमें लोगों को पैदल चलने के लिए, साइकिल या मोटरसाइकिल के लिए आने जाने की जो सहूलत थी, उसमें एक नया ये बनाया गया है कि आप देख सकते हैं कि पुल के बाद जो दोनों लेन हैं उसके बाद वाला जो हिस्सा है उसको यहाँ से जो है वो अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम इसमें थोड़ा बचा है, लेकिन ये बनाया गया है ताकि लोग पैदल जा सके, साइकिल से जा सके और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सके। इसलिए कि जब ये नया बना था उसके बाद कई सारी घटनाएं हुई थी इस पर, तो फिर डिमांड की गई थी कि भाई फुटपाथ भी बनाया जाए इस पर, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है और इसी फुटपाथ से जो है मोटरसाइकिल गुजरेगी। मैं आपको दिखा दूँ कि ये पुराना वाला जो था ये पुराना इस तरह का था, तो पहले लोग जो जॉब करने वाले लोग हैं जो पटना से हाजीपुर की तरफ जाते हैं वो इस पर से जा करके जब जाम लगा होता था तो मोटरसाइकिल का सहारा लेकर के इस तरफ गांधी सेतु पार करके चले जाते थे। लेकिन अब इसको नए तरीके से बनाया जा रहा है कि ये पुल के बिल्कुल अलग कर दिया गया, पुल का जो पार्ट है मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्सा बनाया गया है इसके बाद कर दिया गया, मतलब बड़ी गाड़ियों से बाइक का कोई वास्ता नहीं होगा, पैदल चलने वालों को ज़्यादा उलझन और परेशानी नहीं होगी और आप इस रास्ते से उत्तर बिहार की तरफ या उत्तर बिहार से राजधानी की तरफ आप आ जा सकते हैं। जो है वो इस लेन की बात हम कर रहे थे कि ये नया चालू होने वाला है और ये जो आप देखेंगे कि लोगों को छुटकारा मिलेगा, जो एक महाजाम लग जाता था इस पर, सुबह से शाम तक लोग फंसे होते थे, कई बार तो दुल्हा दुल्हन भी फंस जाते थे, मरीज़ का फंसना तो आम बात है, इसलिए कि एम्बुलेंस इसी रास्ते से गुजरती है राजधानी पटना से उत्तर बिहार की तरफ या उत्तर बिहार से राजधानी की तरफ जो गाड़ियाँ आती हैं। तो ये एक नया जो निर्माण हुआ है ये आप देख सकते हैं कि इसका जल्द उद्घाटन होगा। न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि इसका उद्घाटन जल्द होगा और ये काम जो है तेज़ी से चल रहा है। भैया कितना दिन में अंदाज आप लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम चल रहा है? दिन रात चल रहा है, 24 घंटा काम चल रहा है। हालांकि इसको 30 तारीख को शुरू होना था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब अगले महीने नहीं, अब खाली पेंट के काम बचा हुआ है, सब काम ओके। बाकी जो फुटपाथ वाला जो हिस्सा है वो साइकिल मोटरसाइकिल जाने वाला वो सब कंप्लीट हो गया? हाँ, सब कंप्लीट है, बीच में जो है कि खाली ढलाना बचा हुआ था, एक साइड से चालू हो जाएगा एक साइड से काम होते रहेगा। तो मतलब अब आपको लगता है कि ये जो जाम लगता था वो अब नहीं लगेगा? अब नहीं लगेगा। पहले आमतौर से होता था कि गाड़ियाँ 24 घंटे फंसी रहती थी, लेकिन इस लेन के चालू होने से अब छुटकारा मिल जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा कि ताकि जो है ना एक साइड से जो है कि जाम करके एक साइड से काम फुटपाथ के चालू रहेगा, दोनों साइड क्लियर हो जाएगा।
वो मतलब फुटपाथ में एक तरफ का अभी उधर वाला जो क्लियर हो गया उसको चालू कर दिया जाएगा, हाँ, और इधर रोक दिया जाएगा, हाँ, जब इधर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दोनों फुटपाथ वाला मतलब पैदल जाने वाले साइकिल मोटरसाइकिल जाने वाले लोग चालू हो जाएगा और ये तो कंटिन्यू चालू ही रहेगा, ये तो कंटिन्यू चालू। तो राजधानी पटना से लेकर के उत्तर बिहार की तरफ जो लोग आते जाते हैं उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि अब ये जब लेन चालू होगा तो लोगों को जाने में आसानी होगी और वो जो एक जाम का झंझट बना होता था उस जाम से हमेशा के लिए शायद छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि वैकल्पिक तौर पर जेपी सेतु का निर्माण कराया गया था लेकिन उधर से बड़ी गाड़ियां नहीं गुजरती हैं, अनुमति नहीं है, ट्रक नहीं जा सकता है आमतौर से या बस नहीं जाती है, लेकिन ये गांधी सेतु ऐतिहासिक गांधी सेतु को लेकर के हमेशा लोगों की यही धारणा होती है कि वहाँ जाने का मतलब है कि जाम में फंस जाना, लेकिन शायद काफ़ी दिनों के बाद इस महाजाम से लोगों को छुटकारा मिलेगा और गंगा की जो रवानी है शायद उसी रवानी से लोग अब सफ़र कर पाएंगे और जो एम्बुलेंस गुजरती थी मरीजों की जान चली जाती थी, शादी ब्याह में दुल्हा और दुल्हन फंस जाते थे, शायद उन सब के चेहरे पर अब खुशी आएगी इसलिए कि सेतु से जाम हटने वाला है, नए लेन का आगाज़ है और संभवतः 7 तारीख को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें इंफॉर्मेशन के साथ।